नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूं आप सबका जन जागरण न्यूज चैनल में। देखते हैं आज की खास रिपोर्ट को। आइए जानते हैं रवि भूषण द्विवेदी से। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, लाइट का माहौल इतना खराब चल रहा है, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, लोग शोर शराबा कर रहे हैं, ऐसे टाइम में जिस वक्त लाइट चाहिए उनको लाइट नहीं मिलती, उसके बारे में इनसे जानते हैं कुछ टिप्पणी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहली चीज तो 24 घंटे में 4 घंटे रोस्टिंग है जी, ये आपका 1 बजे से 3 बजे तक और 5 बजे से 7 बजे तक जी। उसके बाद यहाँ के जो तार हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उस पर अधिक ज़्यादा लोड है और जर्जर है, जिससे आए दिन हर घंटे कहीं ना कहीं यहाँ तार टूटता है, कहीं वहाँ टूटता है, वहीं के बिजली जलती है, वहाँ जलती है, ये जर्जर व्यवस्था है। उस जर्जर व्यवस्था का मेन कारण ओवर लोड है जी। हम 1 किलोवाट कनेक्शन लेके 2-3 किलोवाट प्रयोग कर रहे हैं, जो बल्ब लगाया है हमारे घर पे 24 आवर जल रहा है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं समझता मैं कि मैं बंद कर दूं। मैं मतलब पूरा भारतगण जी जो अनावश्यक चीज़ें लगी है उसको बंद कर दे, कम जितना बचत करेंगे हमें और आपको मिलेगा, इसकी ज़रूरत कोई नहीं समझता। तो ठीक है, मान लिया ओवर लोड जो है, क्या आज का दिन है जो बता रहे हैं आप? हाँ। क्या आज से स्टार्ट हुआ है? तो बहुत पहले से था। आज से नहीं, जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी हाँ। उतनी ओवर लोड की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। रोस्टिंग जो है ये क्या हिसाब से हिसाब से कर रहा है? रोस्टिंग जो 5 से 7 की रोस्टिंग है, तो क्या हमेशा फिक्स रहा है क्या ये? फिक्स नहीं रहा है। अगर तो इस टाइम क्यों चेंज किया गया रमजान के समय में? रमजान ये पहले से था, ये रमजान के समय ना ये पहले से था। अगर सिस्टम वहाँ नॉर्मल हो जाएगा, रोस्टिंग नहीं होगी। अगर मिला के अभी फिलहाल जैसे रमजान चल रहा है, यही टाइम लगा दिया गया है? नहीं, बिल्कुल रमजान चल रहा है ये नहीं लगा दिया, पहले से लगा है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उच्च अधिकारियों को लिखित दिया जाए, जैसे पीस कमेटी मीटिंग होती है उसमें बताया गया है, अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि इस समय रमजान के महीना में लोग रोजा खोलते हैं या और सब चीजें इस समय तक कटौती न हो। बहुत अच्छी बात कहा आपने, जिस तरह से पीस कमेटी का आपने नाम लिया है। जी जी। पीस कमेटी जब भी होती है, इस बार भी हुई थी तो रमजान को लेकर ही हुई थी। जी जी। क्या रमजान के लोग ये लेके जब बात होती है, उनको पता नहीं होता रोजेदार या तो जो रोजा रखने वाले लोग होते हैं उनकी क्या टाइमिंग होती है, किस तरह से क्या होता है, क्या उनको पता नहीं है सरकारी लोगों को? मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, कि मैं भी पीस कमेटी की मीटिंग में गया हूँ, ये केवल खाना पूर्ति है। अच्छा। एक बार ये जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के जी, भाई प्रसाद पांडे उर्फ बच्चा पांडे जी, उन्होंने कहा था कि जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है उसको अगले मीटिंग में जी सर्वे करना चाहिए, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी। ये कभी नहीं होता, अचानक फोन आएगा जी कि आ जाओ मीटिंग है, मीटिंग में चाय मिलेगी, समोसा मिलेगा, खाएंगे, हंसी मजाक होगी, थोड़ा कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग अपनी बात कहेंगे, कुछ लोग अपनी बात कहेंगे, अधिकारी सुनेंगे और सुन के चले जाएंगे, किसी भी समस्या का निवारण नहीं निकलता, निवारण नहीं निकलता। और न अधिकारी उस पर पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। पीस कमेटी मीटिंग में जो जाते हैं, मेरे समझ से एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जी, उनको अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए कि श्रीमान जी ये आपकी मीटिंग में हुआ था, ये नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि तत्काल में एक्शन साहब को एक पत्र लिख के या दूरभाष से सूचना देके कि इसको थोड़ा सा बदलवाया जाए समय। तो क्या इसके लिए आप कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम कल इलाहाबाद जाने की तैयारी में है, जाके अपने अधिकारियों से मिलके इस संबंध में बात करेंगे कि कैसे ये बदला जाए। जी धन्यवाद, आप हैं रवि भूषण द्विवेदी समाज सेवी। इस चैनल पे दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृति।